हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टू बॉक्स ऑफिस। बात करने वाले हैं चंद्रमुखी टू इस मूवी का फर्स्ट डे आलोचन लेकर, बात करेंगे ईराई वन इस मूवी का फर्स्ट डे आलोचन लेकर। आप तो जानते हैं जयम रवि सर का ईराई वन, इस मूवी को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिव्यू मिला है। ये एक मेगा ब्लॉकबस्टर बन पाएगा अगर दर्शक फैमिली जन सपोर्ट करे तो। हम एक्सपेक्टेशन है ईराई वन चंद्रमुखी टू दोनों फिल्म ही मेगा ब्लॉकबस्टर बन जाएगा। बात करेंगे इन दोनों में कलेक्शन को लेकर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करना टू बॉक्स ऑफिस चैनल को। पहले बात करें चंद्रमुखी टू को लेकर, इसमें का बजट है 60 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है राघव लॉरेंस सर। आप लोग जानते हैं सुपरस्टार रजनीकांत सर का चंद्रमुखी का सीक्वल है चंद्रमुखी टू। चंद्रमुखी टू एक मेगा एक अपकमिंग मोस्ट वॉटेड फिल्म था, जो फिल्म आते ही तमिल इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करने का पॉसिबिलिटी था, और मूवी फर्स्ट डे में अच्छी कलेक्शन किया। मूवी को बहुत लैंग्वेज में रिलीज किया गया, ये एक पैन इंडिया रिलीज है। अपने फर्स्ट डे में इस मूवी ने तमिलनाडु सेशन किया 14 करोड़ रुपीज। हिंदी नीट कलेक्शन किया 1.50 लाख। मूवी ओवरसीज मार्केट सेशन किया 6.50 लाख। वॉलेट मार्केट में कलेक्शन किया 25 करोड़ रुपीज। आपने अभी तक चंद्रमुखी टू नहीं देखा, देख लेना। राघव लॉरेंस सर आप लोग जानते हैं जिनको कांचना सीरीज के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। चंद्रमुखी टू भी अगर कांचना सीरीज जैसे अच्छे कॉमेडी फिल्म हो, अच्छे हॉरर फिल्म हो, तो हम एक्सपेक्टेशन है चंद्रमुखी टू भी एक सक्सेसफुल फिल्म रहेगा। अब बात करें ईराई वन को लेकर, इसमें का बजट है 30 करोड़ रुपीज। लीड रोल में है जयम रवि सर। इस ने फर्स्ट डे कंप्लीट किया है। आप लोग जानते हैं जयम रवि सर कितने टैलेंट एक्टर है, तमिल इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट। पावरफुल स्क्रीन प्ले के लिए सर को जाना जाता है। सर के एक्टिंग, सर के डेडिकेशन या सर के टैलेंट सभी लोग जानते हैं। जयम रवि सर तमिल इंडस्ट्री के वो नाम है जो आप लोग जानते हैं अच्छे अच्छे फिल्म के लिए जाना जाता है। अपने फर्स्ट डे में इस मूवी ने तमिलनाडु सेशन किया 5.30 लाख। मूवी ने ओवरसीज मार्केट सेशन किया 2.80 लाख। वाले मार्केट सेशन किया 8.90 लाख। हम एक्सपेक्टेशन है ईराई वन 100 करोड़+ बिजनेस लाइफ टाइम में करेगा। चंद्रमुखी टू को अगर पॉजिटिव रिव्यू मिला, अगर सभी जगह से सभी स्टेज से मूवी को दर्शकों ने पसंद किया, चंद्रमुखी टू भी लाइफ टाइम में कम से कम हमें लगता है 100 या 200 करोड़+ बिजनेस करने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यह चंद्रमुखी का सीक्वल है। चंद्रमुखी का अच्छा हाइप, अच्छा ग्रैंड लेवल क्रेज है तमिलनाडु में। मूवी तमिलनाडु में इंडस्ट्री हिट भी बन सकता है। धन्यवाद।